हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस से पर्सनल लोन के बारे में, जो कि एचडीएफसी का ही सेकंड पार्ट है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो कि ऑनलाइन ही सारे सेक्टर को संभालेगा और आपको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा हुआ था कि मुझे 5 लाख का या 2 लाख का 3 लाख का लोन अर्जेंट में चाहिए, तो क्या मुझे मिल जाएगा एचडीबी से, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एचडीबी का, क्या एलिजिबिलिटी लगती है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में लोन अप्लाई करने पर। तो सारी चीज़ें को हम लोग इन डेप्थ में बात करते हैं और चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आज पहले हम लोग जानते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, लोन क्रेडिट हिस्ट्री और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। आपका लोन जो, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं और आपकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री है और आपका बैंक से कितने सालों तक का रिलेशनशिप है, इन चीज़ों के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। एचडीबी आप समझ सकते हैं जैसे एसबीआई का योनो है, उसी तरीके से आप एचडीएफसी का एचडीबी एक नया ऑनलाइन ऐप बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ों पर आपका डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कमर्शियल पर क्या लग रहा है वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। देखो कमर्शियल व्हीकल पर आपको लोन क्या मिल रहा है, ट्रैक्टर लोन कितना मिल रहा है, ऑटो लोन कितना मिल रहा है, टू व्हीलर लोन कितना मिल रहा है, ऑल अनसिक्योर्ड लोन कितना मिल रहा है, लोन अगेंस्ट गोल्ड लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, देख सकते हो। सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, तो आप इनको पढ़ सकते हो। देखो ये यहाँ पे ये सब सारी डेटों के है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट लोन भी चलता है, ठीक है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट लोन भी चलता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट, ये सारे लोन यहाँ पे आपको चलने को मिल रहा है। बट अपना जो लोन है वो कितना लग रहा है उसके ऊपर अगर हम सीधे आपको समझाएं तो आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। देखो अपना जो लोन चल रहा है वो चल रहा है 10% से लेकर के 35% तक का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एचडीबी फाइनेंशियल पर्सनल लोन पर। अगर आप पर्सनल लोन ले जा रहे हो 10% से लेकर के 35% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और ठीक है, कितने अमाउंट पर, 20 लाख के अमाउंट पर, और कितने सालों के लिए आपको लोन मिलेगा, 12 से 60 महीने तक के लिए आपको यहां पे लोन मिल जाता है। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। और भी हम लोग पहले फीस एंड चार्जेस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे पहले हम लोग डिटेल से बात करते हैं और फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे फीस एंड चार्जेस में हम बात करने लगते हैं, तो देखो कितने सारे आपके चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लीकेशन चार्जेस लगता है, ठीक है, 6,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस चार्जेस आपका 5% से 2% लग जाता है। और स्टैम्प स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चार्जेस नील रहते हैं, ठीक है। डिले इंस्टॉलमेंट चार्जेस आपका 30% लग जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे चार्जेस देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे आप ये चार्जेस की हिस्ट्री है ये आप पढ़ सकते हो। देखो इतने सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, तो ये इतने सारे चार्जेस आपको एचडीबी में देने पड़ते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस क्या लग रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले आप चलते हैं हम लोग सीधे इनकी ऑफिशियल पेज पर, जहाँ से हम लोग लोन भी अप्लाई करेंगे और एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो इनके फीचर्स के बारे में, अगर यहाँ पे देखो फीचर्स में हम लोगों ने क्लिक किया है, तो फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 20 लाख तक का हमें लोन मिलता है और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट चलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोन ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं और क्या रिलेशनशिप होता है बैंक पर, उसके ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 5-6 सालों से एचडीएफसी बैंक में अटैच हैं, तो मे बी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 11% पे मिल जाए, 10% पे ही मिल जाए, ठीक है, और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो ये चीजें होती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप हम लोग लोन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल, डॉक्टर हो, कैश, देखो डॉक्टर हो, सीए हो, और एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर, और कहीं भी काम करता हो, सैलरीड इंडिविजुअल कहीं काम करता हो, बस सीधी सी बात है भाई, और कहीं से भी काम करता हो तो सैलरीड होना चाहिए। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 60 होनी चाहिए, और अगर वो रिटायरमेंट है और तब उसकी जो एज होनी चाहिए 65 ईयर होनी चाहिए अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। और मिनिमम एम्प्लॉयमेंट टाइप कितना होना चाहिए, 1 ईयर से लेकर के और 1 मंथ सैलरी क्रेडिट फ्रॉम द करेंट
ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपका जो क्रेडिट का जो आपका पर्सनल लोन का जो अमाउंट है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन पर कनेक्ट होना चाहिए, 1 मंथ के अंदर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए और 1 साल से मिनिमम आप कंटिन्यू वहाँ पे काम कर रहे हो। मिनिमम मंथली नेट इनकम आपकी जो होनी चाहिए 20,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहाँ पर रहते हो, अहमदाबाद, बेंगलोर और चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन जगहों पर रहते हो तो आपकी इनकम जो होनी चाहिए 20,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर इन इन सिटी से अलग सिटी जगह रहते हो तो आपकी इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो एज जो होनी चाहिए 22 से 65 साल की होनी चाहिए और मिनिमम जो बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। 3 साल से आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, मिनिमम एनुअल जो उनका टर्नओवर होना चाहिए वो कम से कम 1 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक का होना चाहिए, ठीक है। 10 लाख भी हो सा 1 लाख के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, 75,000 तक होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम एज की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली, सेल्फ एम्प्लॉयड पीवीटी, तो ये रहा एलिजिबिलिटी, आपने समझ ली। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखो रिक्वायरमेंट होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की, एड्रेस प्रूफ की, ठीक है, पासपोर्ट साइड पासपोर्ट, वोटर आईडी। अब इन दोनों में देखो कोई क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, पासपोर्ट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर आईडी लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, आधार प्रूफ लगा सकते हो, आधार नंबर लगा सकते हो, फोटो इमेज लगा सकते हो, जॉब कार्ड इशू लगा सकते हो, नरेगा लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ का देना चाहते हो, ठीक है, यूटिलिटी बिल भी लगा सकते हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या लगा सकते हो, सिंपल सी बात है, पैन कार्ड भी लगा दोगे या तो 10th 12th की मार्कशीट लगा दोगे तो वो मिल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको देनी पड़ेगी लेटेस्ट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, 90 डेज की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लेटेस्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी और लेटेस्ट फॉर्म 60 ITR अप्लीकेबल के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट तुरंत देनी पड़ेंगी भाई, और जिससे बैंक को प्रूफ हो कि आपकी सैलरी आती है तभी आपको लोन मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सेम कंडीशन होगी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए सेम कंडीशन होगी। आप पासपोर्ट साइज फोटो मतलब पैन कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, यूटिलिटी बिल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए सेम कंडीशन है और बैंक स्टेटमेंट की हम लोग कंडीशन डाल लेते हैं। तो 90 डेज की अपडेटेड पासबुक होनी चाहिए, लेटेस्ट ITR होना चाहिए विद द कम्युनिकेशन ऑफ इनकम, ठीक है, और BSN और PSL ये दोनों 2 साल के ITR रिटर्न आपके देखे जाएंगे और विद द CA सर्टिफाइड, जो आपका जो CA हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि आपने खुद भर लिया हो उसके उस विद द सर्टिफाइड CA के अगेंस्ट पे आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। तो अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन पे हमें क्या मतलब कि मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमें 2 लाख का हमें कितने 6 लाख का पर्सनल लोन नहीं 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 13% के 12.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हम 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो हमारी मंथली किस्त कितनी बनती है 14,192 रुपये और 40,613 रुपये में टोटल ब्याज देना पड़ेगा। टोटल जो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी 3,40,613 रुपये करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसी जगह 3 लाख का लोन हम 1 सालों में पेड कर दें तो हमें 26,000 रुपये हमारी मंथली किस्त जाएगी, लेकिन 20,000 रुपये हमें तब भी ब्याज देना पड़ेगा 1 सालों में। 3,20,000 हमारी टोटल हमें बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। ये अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो आपका ये जो रेड वाला एरिया है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका ब्याज है। तो देखो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमें 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 5 लाख का लोन चाहिए और वो भी 5 सालों के लिए, तो हमारी मंथली किस्त 11,000 रुपये जाएगी जिसमें हमें 1,74,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। टोटल जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 6,74,938 रुपये हमें टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसी जगह हम 60 महीने के लिए ना करके हम इसको 36 महीने में कंप्लीट कर दें, 3 सालों में कंप्लीट करें, तो हमारे कहीं देखो 1,64,000 लग रही थी अब 1 लाख लग रही है। अब इसको हम सीधे 2 सालों में कम करने की कोशिश करें, दो सालों में हमें 67,000 रुपये केवल हमें ब्याज देना पड़ा है जिसमें हमारी 23,000 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही, टोटल हमें बैंक को पेमेंट 5,67,000। तो 1 लाख का कहीं भी हम लोग मुनाफा करके कहीं भी कोई भी चीज़ में हम लोग पैसे डाल सकते हैं। और यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई नाउ का, तो आपको सिंपली इसमें सर्च क्या करना पड़ेगा जो जिससे ये ऑप्शन आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर आप आएंगे
और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे SDB पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे सर्च करेंगे SDB पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट, तो सीधे आप इनकी ऑफिशियल साइट पर आप यहाँ पे आकर के लोन अप्लाई, जैसे यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे और लोन अप्लाई करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, अपना नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन डालेंगे और डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, कितना लोन चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए, देन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो।